हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए फिर से नीट पीवाईक्यू में डिस्कशन करते हैं। और ये प्रॉब्लम कब पूछा गया था बेटा? 1997 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन पूछा गया गया था, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO इज, सबसे पहले CO का मतलब है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे चार ऑप्शन में चारों में आयन्स दिए हुए हैं और पूछा गया कि कौन सा आयन CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हैं। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब बराबर, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या बराबर होता है उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, या हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो अब देखिए, तो सबसे पहले अपने CO में इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका यह होगा कि जो हमारा दिया गया है उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, नेगेटिव रहता है ऐड करेंगे। कैसे देखो समझते हैं। सबसे पहले CO लेते हैं, तो CO में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे बेटा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो 6 और 8 मिला के कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरीके से कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव किया गया, नहीं ऐड किया गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन दोनों का एटॉमिक नंबर लिखना है अपने को, लिख करके ऐड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। अब चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे CN- है ऑप्शन ए में, तो CN- में पहले कैलकुलेट करें बेटा, कार्बन का कितना होगा? 6 होगा। नाइट्रोजन का कितना होगा? एटॉमिक नंबर 7 होगा। और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो 7 और 6 मिला के 13 और एक और ऐड कर दोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 14। तो मतलब ऑप्शन ए में जो CN दिया गया इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। बी में चलते हैं। बी में क्या है? N2+। तो N2+ को अगर हम चेक करें तो नाइट्रोजन कितने बार है? 2 बार है। तो 2 × नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 7 होगा। तो 7 दुना के कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। लेकिन एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा N2+ में। इसको ध्यान देना है बेटा। आगे देखो, सी में चलते हैं। सी में क्या दिया है? O2 - 2। तो अब O2 - 2 में क्या देखेंगे? तो कितने बार है ऑक्सीजन? 2 बार है। तो 2 × ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब 16 में यहां पे 2 माइनस चार्ज है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, कितना जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसमें तो भाई साहब 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, बात ही अलग है। डी में चलते हैं। N2 - दिया बेटा, तो नाइट्रोजन 2 बार है, 2 × 7 हो जाएगा, तो 7 दुना के 14 हो जाएगा, एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो कितना आएगा? 15 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब तुम देखो इसमें कि कहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 है, क्योंकि CO में कितना इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 है, जरा चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए वाले में है, तो मतलब ऑप्शन ए में जो CN- दिया है, CN- क्या होगा? CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए होगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।